ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ददुजजं मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतिरुत्तम श्लोके मुक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम के पाठ में आप सब लोग का स्वागत है। और आज के पाठ इन सप्तम स्कंद के सातवें अध्याय का 11 नंबर श्लोक पाठ होगा। और इन श्लोक और तात्पर्य के अनुसार जो भी उपाधि शिक्षा हमको मिलती है उनको हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और ग्रहण करके उनको वर्षक प्रयास के साथ अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे। तो श्लोक बोर्ड पे लिखा है, आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। इति उक्तस्ताम व्यायन्द्रो देवर्षेर्मानयन् वचा अनंतप्रिय भक्तेनां परिक्रम्य दिवं जयो। शब्दार्थ इति इस प्रकार उक्तः संबोधन प्राप्त करके ताम उसको अर्थात मेरी माता को बोलिए बोलिए विहाय छोड़कर इंद्र स्वर्ग के राजा इंद्र देवर्षे नारद मुनि के मानयन मानते हुए सम्मान करते हुए वचः वचनों का अनंत प्रिय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रिय भक्त्या भक्ति से जे नाम इसको स्त्री को परिक्रम्य परिक्रमा करके दिवम स्वर्गलोक चले गए जयो गए। अनुवाद तात्पर्य शिष्य मदिषि भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज के द्वारा जब परम संत नारद मुनि ने इस प्रकार कहा तो राजा इंद्र ने नारद के वचनों का पूर्ण सम्मान करते हुए तुरंत ही मेरी माँ को छोड़ दिया। चूँकि मैं भगवत भक्त था अतएव सब देवताओं ने मेरी माता की परिक्रमा की और तब वे भी अपने अपने स्वर्गधाम को वापस लौट गए। तात्पर्य यद्यपि राजा इंद्र तथा अन्य देवता महापुरुष है किंतु वे नारद मुनि की इतने आज्ञाकारी है कि राजा इंद्र ने प्रहलाद महाराज संबंधी मुनि के वचनों को तुरंत स्वीकार कर लिया। यह परंपरा पद्धति द्वारा समझना कहलाता है। इंद्र तथा देवता यह नहीं जानते थे कि हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु के गर्भ में एक महान भक्त है, किंतु उन्होंने नारद मुनि के प्रामाणिक कथन को स्वीकार कर लिया।
और तुरंत ही उस गर्भिणी स्त्री की प्रदक्षिणा करके उन भक्त को इस प्रकार सम्मान प्रदान किया। परंपरा पद्धति द्वारा भगवान तथा भक्तों को समझना ही ज्ञान की विधि है। ईश्वर तथा उनके भक्त के विषय में अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक भक्त के कथनों को स्वीकार करें और उनको समझने का प्रयास करें। अमज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्यमनःविष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदन्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्नवश्नवंश श्रीरूपं साग्रजार्दं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता शिवशाखन्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुमलंगयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधव। जयतं सुरतपंगो मम मन्दमतैर्गति मत्सर्वस्वपदां भजो श्रीराधामदनमोहनो वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य तभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वैराग्य युग भक्ति सम अपायन अनपिप्सुम अंधम करुणां बुधिं पर दुख दुखी सनातन प्रभुं तमाश्रयामि सनातन प्रभुं तमाश्रयामि सनातन प्रभुं तमाश्रयामि। हरे कृष्ण। तो जैसे आप लोग ये सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार पिछले अध्याय में उन दैत्य बालकों के द्वारा एक प्रश्न किया गया था और प्रश्न ये था कि मेरे और हमारे और तुम्हारे शिक्षा और ये किस स्थान से एक ही गुरु से मिलती है। हम लोग को शिक्षा एक ही तरह की शिक्षा मिलती है हम लोग ये देखें, लेकिन प्रहलाद तुम्हारी बुद्धि में इस प्रकार या इतनी विद्वत्ता तुमको कैसे प्राप्त हुई। इसका उत्तर करते हुए श्री प्रहलाद महाराज ने इस कथा को कहा जो उन्होंने
माता के गर्भ में सुना था वा किसी से उनका श्रवण किया था या नारद जी से श्रवण किया होगा, उस कथा को वो कह रहे हैं। और उस कथा के अंतर्गत आज का जो श्लोक है वो भक्तों के लिए अत्यंत उपादेय शिक्षा प्राप्त कराने वाला ये श्लोक है, इसलिए हम लोग ध्यानपूर्वक इनका अध्ययन करके इन शिक्षाओं को हम लोग ग्रहण करेंगे या हमारे चित्त को समाहित करके इन शिक्षा वृत्ति प्राप्त करने में एकाग्र करना चाहिए। सो पिछले श्लोक में नारद जी ने इंद्र को ये कहा था, कयम निष्किल भीषण न साक्षात महाभागवत महान त्वया न प्राप्यते संस्थान अनंतानुचरो बलि। कहते इंद्र तुम्हारा पर्पस सिद्ध नहीं होगा, कारण ये है कैसी स्त्री के गर्भ में कयादु के गर्भ में भगवान का एक महान बलवान उन अनंत का एक भक्त है, और जैसे इंद्र ने सुना तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, तुरंत स्वीकार किया। इसको प्रहलाद महाराज बच्चों को बता रहे हैं कि किस प्रकार इंद्र ने ये स्वीकार करते हुए मेरे साथ मेरी माँ को भी प्रणाम परिक्रमा की। श्रील प्रभुपाद महाराज अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि वस्तुतः देवताओं का आचरण है, देखिए हमारे चित्त में इन कलयुग के कारण देव और असुर एक साथ में विराजमान है या दोनों यहाँ पर रहते हैं, तो इसके चलते हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भीतर जो आसुरी प्रवृत्ति है उनको जितना हो सके दबा करके और दैवी गुणों का अर्जन करना चाहिए। ये बहुत सुंदर शिक्षा है। ऐसे माना जाता है कि भक्तों में सहज इन दिव्य गुण होता है, जैसे हम प्रहलाद महाराज के जीवन में देखेंगे, लेकिन क्योंकि हम कलयुग के जीव है और उनके साथ साथ हमारी इंद्रियों में हजार गुना तर्षण इस कलयुग के कारण बढ़ा हुआ है, वो पिपाशा इंद्रिय तर्पण की जो लालसा है वो लालसा हजारों गुना बढ़ जाती है कलयुगी जीव में। हाँ, इसके कारण होता क्या है, प्राय उन आसुरी स्वभाव को बल मिलता है। दोष कलयुग का है, लेकिन व्यक्ति में ये बहुत शीघ्र परिवर्षित होते हैं। तो आप कहेंगे कि हम लोग तो भक्ति करते हैं, फिर भी हम आखिर कलयुग में हैं और हमारी भक्ति सिद्ध नहीं हुई है। हम विधि भक्ति के साधक हैं, तो विधि भक्ति कार्य होने के कारण ये सब उपद्रव भक्तों के हृदय में भी रहता है। हम अपने स्वभाव को टटोल करके देखें तो पता चलेगा कि कई बार हम इतने विनम्र होकर के प्रस्तुत होते हैं और फिर दोबारा
उन महाक्रोध को भी प्रकटित करने में देरी नहीं करते हैं। छोटा सा बात में इतना गुस्सा आ जाता है, और कोई भक्त बड़ा है या क्या है वो गुस्सा दिखता नहीं है, वहाँ बरसता रहता है। उसका कारण निश्चित कलयुग है। लेकिन भक्तों को चाहिए कि अपने बुद्धि में ये भावना ही उत्पन्न न होने दे, या ये भावना आते ही उनको दबा दे, जिसके कारण न तो कभी हमारा किसी के प्रति अपराध बनेगा और उल्टा ये भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला आचरण है। इसको देवताओं का आचरण है, जैसे यहां बताया गया है। कहते तो विहाय इंद्रो देवर्षिम मानियन वचा। देखिए तुरंत देवराज इंद्र ने कयादु को छोड़ दिया, कोई अपील नहीं किया। पहले तर्क किया एक दो बार इंद्र ने, लेकिन जब नारद जी का वचन सुना, देखिए हम लोग रोज भक्तों का वचन सुनते हैं और भागवतम सुनते हैं, इससे देवताओं जैसा आचरण हमें होना ही चाहिए। अगर ये दिव्य आचरण हम हृदय में प्रकटित नहीं कर पाए तो हम लोग भक्ति से वंचित रह जाएंगे। जो विधि भक्ति एक अमूल्य वस्तु विधि भक्ति के रूप में जो हमारे हाथ में श्रील प्रभुपाद महाराज ने रख दिया है, उसको हम गंवा देंगे। केवल थोड़ा सा ध्यान नहीं रखने के कारण उन आसुरी प्रवृत्ति को पनपने देने के कारण हृदय में इतने महासदभाग्य से भी हम वंचित हो सकते हैं। इसलिए साधकों को सावधान रहना चाहिए। यहां तक कि एक साधक ज्यों ज्यों भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता जाता है तो इतना विनम्र होता जाता है, वो सोचता है कि मैं सबसे निकृष्ट भक्त हूं। सब कविराज गोस्वामी का दैन्य अपराकृत दैन्य है, वो अपने को मल का कीड़ा सोच रहे, हम ये नहीं सोच सकते। कम से कम हम जो जिसके साथ रहते हैं उन सब में अपने आप को कनिष्ठ समझे, बहुत हो गया, इसी से हमारा काम बन जाएगा। इतना ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इतनी दीनता ये अपराकृत दैन्य है, वो तो स्वाभाविक उन भक्ति जब हम सिद्धि प्राप्त करेंगे तो उनके साथ वो सिद्ध होगा। उन प्राकृत अवस्था में उनकी सिद्धि होगी नहीं, लेकिन ये प्रकृत दैन्य तो तब सिद्ध होगा, लेकिन प्राकृत दैन्य हमको दिखाना पड़ेगा। जैसे ये देवताओं ने दीनता दिखाई है नारद जी के वचनों पर, हम भक्तों के वचन रोज सुनते हैं, हमें भी वो दीनता हृदय में पनपनी चाहिए। देखिए श्री प्रहलाद महाराज ये असुर बालकों को ये कहते हैं कि अनंत प्रिय भक्ति है नाम परिक्रम दिवम जजो। बोलते नारद जी ने कहा था कि इनके गर्भ में उन भगवान अनंत के अत्यंत प्रिय भक्त है, ऐसा सुन करके वो मेरी माँ की परिक्रमा करने लगे। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से मेरी परिक्रमा कर नहीं सकते थे क्योंकि माता के गर्भ में स्थित था, इसने माँ को परिक्रमा करके के भक्त को परिक्रमा को हो गई। देवताओं के द्वारा सम्मानित ये जो भक्त श्री प्रहलाद महाराज है उनकी मान्यता क्या है उसको देखने से हमको पता चलेगा कि हमारी साधना में कहां पर कमी है। आइए थोड़ा बृहद भागवतामृत में चलते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग वर्णित है। और वहां पर शिव जी के द्वारा प्रेरित होकर के उन रसातल में
जहाँ पर श्री प्रहलाद महाराज का स्थान निवास स्थान था, अपने पुत्र के साथ वहाँ निवास करते थे, सॉरी सुतल में बलि महाराज के साथ उनका निवास था। तो वहाँ पर आकर के अपने उन शिष्य को क्या कह रहे हैं, नारद जी को पहले से समझा दिया गया था श्री शिव जी के द्वारा कि आप उनकी एकदम स्तुति नृत्य करना चालू मत कीजिए, क्योंकि नारद मुनि में इतना उद्रेक हो रहा था, उन परम भक्त के देखने की लालसा हो रही थी, भले ही उनका अपना शिष्य था, लेकिन शिव जी के मुख से जब उनका गुणावली सुना तो सुन करके उनका चित्त एकदम अभिभूत हो गया अपने शिष्य के प्रति। वो दौड़ करके वो सुतल में आ गए और आ करके उन्होंने देखा कि प्रहलाद ध्यान कर रहे थे, ध्यान में मग्न है, लेकिन प्रहलाद महाराज भी ध्यान ने देख लिया कि श्री नारद मुनि का पदार्पण हो रहा है। और तत्काल उन्होंने आंख खोल दिया, अपने चित्त को बैर कर दिया और अपने गुरु के सत्कार के लिए खड़े हो गए। अभी पूजन करें न करें तब तक तो नारद मुनि ने उनकी सराहना चालू कर दिया, क्या किस प्रकार सराहना करते हैं। और उनका उत्तर ये विनम्र प्रहलाद महाराज किस प्रकार देते हैं, उनको सनातन गोस्वामी पद हमारे लिए प्रस्तुत किया है। चूंकि महाप्रभु को यही प्रिय था, ये दोनों भैया महाप्रभु के चित्त को प्रकट करना चाहते हैं। देखिए 100-100 बार महाप्रभु ने प्रहलाद महाराज का चरित्र गदाधर पंडित के पास सुना, ये तो विख्यात है, चैतन्य चरितामृत में ये बात लिखी गई है। उनका उद्देश्य एकमात्र हमारे जैसे साधकों के लिए विधि भक्ति कार्य को चाहिए कि इन प्रहलाद के चरित्र को बार बार श्रवण करें। और श्री प्रहलाद महाराज जैसा दीनता प्राप्त करें, दंड प्राप्त करें प्रहलाद महाराज जैसा, जो कि बहुत आवश्यक है भगवत भक्ति में। तो श्री नारद जी ने वहां जाकर के ये कहना प्रारंभ किया, ये चतुर्थ अध्याय का चौथा श्लोक है जो नारद जी के द्वारा उच्चारित है। वो कहते हैं, दृष्टा अचिराट न कृष्ण कृपा भरस्य पात्रम भगवान में सफल समो अभूत। कहते पुत्र अथवा शिष्य, बहुत लंबे काल से मैं तुम्हारा दर्शन नहीं किया था, तुम्हारे पर जो कृष्ण की कृपा है उनको वास्तव में मैंने शिव जी से सुना, और सुन करके ऐसा लगा कि वस्तु तो तेरे दर्शन से ही मेरे जीवन की सफलता होगी। श्री नारद मुनि कहते हैं अपने शिष्य को, ऐसा चैतन्य चैतन्य ने प्रदर्शित है कई बार, रघुनंदन ठाकुर, उन मुकुंद वैद्य के साथ जब महाप्रभु की सभा में उपस्थित हुए तो महाप्रभु ने प्रश्न किया, अरे मुकुंद जरा बताओ तुम में से बाप और बेटा कौन। 5 साल का लड़का था रघुनंदन ठाकुर, तो तुरंत मुकुंद जी ने कहा कि ये मेरा बाप है और मैं उनका लड़का हूं। क्यों? ना वो भक्ति में इतना आगे हैं, पर आयु छोटी होने से क्या हो गया। यह अद्भुत शिक्षा महाप्रभु ने हम लोग को प्रदान किया है, उनका आचरण कराते हुए अपने भक्तों के पास, और स्वयं उसी प्रकार उन कुछ जिज्ञासा करते हुए महान महान सिद्धांत को वो हम लोग आगे आने वाले भक्त लोग के लिए
वो शिक्षा के रूप में उन्होंने रखा है। क्यों नहीं हमारी बपोती संपत्ति को हम लोग प्राप्त करें, और ये करके क्यों नहीं हम उन परम प्रेम भगवान में प्राप्त करें। अर्थात करना ही चाहिए, ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। खैर ये कहते हैं कि कृष्ण कृपा भरसे पात्रम भवान में, कहते देखो तुम्हारा दर्शन पुत्र मैंने किया और इसी के कारण मैं मानता हूं कि आज मेरा श्रम सफल हुआ। श्रमो सफल अभूत, आज मेरा श्रम सफल हो गया। कहते नहीं कैसे ऐसा बोलते, बोला आ बाल्य तो जैसे ही कृष्ण भक्ति जाता विशुद्धा न कुतो अपि यासित। बोले पुत्र मैंने इस प्रकार तेरे जैसे बचपन से इस प्रकार की उन भक्ति शुद्ध भक्ति जिनके पास है विशुद्ध वैसा मैंने किसी में देखा नहीं। श्री नारद जी कहते हैं अतः मेरा जो परिश्रम है वो परिश्रम मैं सफल मानता हूं। नहीं सफल मानता हूं। अतः क्या श्रम है नारद जी का, अतो मैं श्रम अध्ययन आदि प्रयास यदवा प्रयाग प्रयागा दक्षिण दिशावर दिशा कहते हैं आरब्ध भ्रमण मानस सफल अभूत। शिपा टीका में लिखते हैं कि तेरे जैसे भक्त का दर्शन करके मेरा इन अध्ययन सफल हो गया। नारद जी कहते जो मेरा जो वेदाध्ययन है ग्रंथों का अध्ययन है भक्ति ग्रंथों का तो वो सफल हो गया, और ये दक्षिण देश के भ्रमण करते हुए मैं जहां जहां भी गया उन इंद्रलोक ब्रह्मलोक शिवलोक उन दौड़ने का श्रम वास्तव में तेरे दर्शन से ये सफल हुआ। श्री नारद जी कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, अपने शिष्य को कह रहे हैं। लेकिन उनका शिष्य क्या कहेगा उनको श्रवण करना है हमको। ये कहते हैं कि कृष्ण क्यों सफलता क्या है, बोले कृष्णा कृपा बर पात्रता लक्षणानि विवृणोति। कृष्ण कृपा के तुम कितने बड़े पात्र हो उनका विवरण करने के लिए ये बता रहे कि आप बाल्यात इति सप्त भी सात श्लोक में बता रहे, हम लोग वर्णन करने का समय नहीं है। हम लोग प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं सीधा उन श्लोक में जाएंगे, लेकिन सात श्लोक में आगे के यह आप बाल्यात से लेकर के सात श्लोक कह रहे हैं, उन सात श्लोक में जाने का समय नहीं हमारे पास। कहते हैं बालम आरभ्य यस्य भगवत या भक्ति पूर्वम कुत्रापि नासित। न पुत्र इतनी छोटी आयु में किसी में इतनी भगवत भक्ति, तेरे जितनी भगवत भक्ति दिखाई नहीं दे रही है। नारद जी इस प्रकार बोले। अब उनके उत्तर में श्री प्रहलाद महाराज क्या कह रहे, यद्यपि सात श्लोक में हम नहीं जाएंगे मैं पहले बताया, पर हम सीधा जहां प्रहलाद वाच है उस श्लोक में जाकर के देखते हैं। देखिए यहां पर ये सब चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि भक्तों के चित्त में कितनी नम्रता होनी चाहिए, कितना दैन्य होना चाहिए। अब देखिए प्रहलाद महाराज के विषय में कुछ बातें थोड़ी चर्चा का विषय है। तो प्रहलाद महाराज भक्त तो है उनमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनकी ज्ञान मिश्रा भक्ति है इसमें दो राय नहीं है। और भक्ति की सिद्धि उन्होंने प्राप्त किया, ज्ञान मिश्र भक्ति को प्राप्त किया, और उन प्राप्ति के बाद जबकि हमारा पूर्ण अभाव है, ध्यान रहे वो ज्ञान मिश्रा भक्ति का भी मिश्रा भक्ति का भी अभाव है। हम गुणी भूता भजन करते हैं,
अपने प्राकृतिक गुण के अनुसार भजन करते हैं। सतगुण में हो तो बहुत अच्छा भजन चलता है, और रजगुण तमोगुण में क्या क्या विचार करके किसी को नाश करने की इच्छा भी करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गुणीभूता भजन चलता है। दृष्टि में बात है, ये सब देखने योग्य बात है। ठीक, प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, यद्यपि भक्ति में सिद्धि प्राप्त व्यक्ति है, वो क्या बोलते हैं, भगवान श्री गुरु ये कहते सर्वम स्वयं एव विचार्यता। अब मेरा प्रवचन सुन करके स्वयं आप अपने से विचार कीजिए, पहले मुझे सुनिए, क्योंकि खूब बखान किया नारद जी ने अपने शिष्य का, इतना बखान किया। अब सोचिए वहां पर ये गुरु बखान कर रहे हैं, हमारा गुरु अगर हमारा बखान करेंगे तब तो हो गया कल्याण हमारा, तब तो हम मान लेंगे कि 100% मैं शुद्ध भक्त हो गया हूं। अरे दूसरे भक्त हमारे जैसे भक्त बोलते कि आप शुद्ध भक्त है, तब तो हमारे जरा कॉलर ठीक करते हैं हम लोग। यही बात है, और यहां पर इसको समझिए, इन भावनाओं को समझिए। इसलिए मैंने पहले कहा कि उन दैवी गुण का विकास जब तक व्यक्ति में नहीं होता है तब तक भक्ति हासिल करना बहुत बहुत कठिनाई के बाद भी नहीं होती है, बहुत कठिनाई जिनका हम अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष अनुभूति हमारी है। विधि भक्ति कार्य को बहुत कष्ट मिलता है, वो कष्ट का कारण हमारा हृदय है और कोई नहीं। तो इन्हें हृदय से व्यक्ति इन सब का विचार करे, इसलिए मैंने उदाहरण के लिए इन वृद्ध भागवत अमृत से कुछ श्लोक चुना है आज के प्रवचन के लिए, जो इनमें से नारद जी के द्वारा सॉरी इनमें से जो इनके द्वारा प्रहलाद महाराज के द्वारा जो उपदेश शिक्षा मिलती है वो कहते हैं, महाराज स्वयं एवं विचार्यताम, आप स्वयं उसके ऊपर विचार कीजिए। कहते बाल्य न संभवित कृष्ण भक्तिर ज्ञानम अपि अस्फुटम। कहते देखिए आपने कहा कि मेरे में भक्ति है, पर बचपन में तो भक्ति के योग्य ज्ञान की बात छोड़ दीजिए, उन बालपन में तो बच्चे का ज्ञान क्या ज्ञान है, और आपने तो झट से बोल दिया कि अरे तुम बचपन से बाल्यकाल से ही तुम इतने बड़े भगत हो गए हो, लेकिन मुझ में भक्ति क्या है, ज्ञान का भी अभाव है बाल्यपन में, वो ज्ञान का भी अभाव रहता है बच्चे में। सीधा प्रतिकार कर दिया, नारद जी के वाक्यों का खंडन किया, लेकिन खंडन भी बहुत विवेक के साथ, गुरु के वाक्य का खंडन करना है बहुत विवेक के साथ। उनका खंडन करते हुए वो कह उन्होंने कहा कि ज्ञान की भी परिपक्वता नहीं होती है, अब वहां से भक्ति कहाँ से मिलेगी, बस स्वयं इसको विचार करके देखिए। और आगे के श्लोक दो श्लोक में लूंगा बस, क्योंकि मेरे 15 मिनट है, उनका तात्पर्य जितना हो सके मैं पाठ करूंगा। कहते महताम उपदेश बाला बुद्ध उत्तम सती हरे भक्त प्रवृत्ता महिमा अपाडकानी न विज्ञान अभिभवो बालेश उपदेश सद इहित और आर्त प्रणयाद प्रणयादया मोक्ष अंगीकरणाद अपि च। इसमें नारद जी ने जो बीच में 7 श्लोक में जो प्रहलाद महाराज का गुणगान किया था, इन गुणगान का प्रतिकार करते हुए ये 2 श्लोक का उच्चारण श्री प्रहलाद महाराज करते हैं। याद रहे हमारे आचार्य का एक ही मात्र भगवान महाप्रभु के अभिष्ट को स्थापित करना, तो नारद जी के मुख से ये उक्ति निकाला हुआ है, एक महान भक्त के मुक्ति उक्ति और एक महान भक्त सामने उनके शिष्य के रूप में। आप देखिए इनमें कहे कि आप जैसे भक्तों के
महाजनों के उपदेश के प्रभाव से उत्तम भक्ति का उदय तथा हरि भक्ति में प्रवृत्ति अर्थात रुचि ते ये तो होती है, ये सत्य है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। विवेक से प्रतिकार कर रहे लेकिन फिर भी प्रतिकार कर रहे हैं, बोले मुझ में भक्ति है ही नहीं, ये कह रहे हैं। और वहीं पर हमको कोई भक्त बोल दे तो हमारा तो हृदय नाचने लगता है, हाँ वो तो हो गया, अरे मैं तो हो गया हूँ इसलिए तो दूसरे लोग बोलते हैं, नहीं हुआ है। जब हमारा चित्त ये मानता है कि मैं भक्त हो गया हूँ तो समझना चाहिए भक्ति है ही नहीं। चूंकि वैष्णवों का आचार देखा जाता है इसके ठीक विपरीत, यहां कहा गया है देखिए ये सत्य है, किंतु मेरे द्वारा उन असुर बालकों के प्रति जो आपने कहा कि उपदेश दिया बेटा इतने बालपन में तुमने उपदेश दिया, बोले विघ्नों द्वारा प्रभावित न कर साधुओं और जैसा आचरण, कहते हैं बेटा तुम विघ्नों से भी, विघ्न तुम्हें अभिभूत नहीं कर पाए, तुम्हारे पिता ने कितना विघ्न दिया लेकिन भगवत कृपा कितनी तुम्हारे पर है, या तुम विघ्नों से भी अभिभूत नहीं हुए, ये कह रहे हैं। उनकी प्रशंसा करते हुए नारद जी ने 7 श्लोक में वर्णन किया है, उनका समय नहीं होने से मैं सीधा यहाँ जा रहा हूँ। अतः कहते हैं कि ठीक है विघ्नों द्वारा प्रभावित न होकर के और साधु जैसा तुम्हारा आचरण, कैसा बोले अर्थ उन दुखी दरिद्रों के प्रति उन दयावृत्ति, ये लक्षणों द्वारा मुझ में कृष्ण भक्ति संपूर्ण रूप से परिस्फुट नहीं होती है। अपने गुरु महाराज को बोलते हैं इसे नहीं माना जाएगा जैसे आप सोच रहे हैं। इसके अलावा कहते हैं उन हरिभक्ति में प्रवृत्ति प्रवृत्त सभी भक्तों में मोक्ष इत्यादि को अस्वीकार करने की महिमा से युक्त लक्षण तो स्वभावतः है, वो किसमें नहीं है। जो विधि भक्तिकारी है उनको पहले से सिखा दिया जाता है तो आपको भोग में और मोक्ष में कभी इच्छा नहीं रखनी चाहिए तभी भक्ति प्रारंभ होती है। तो बोलते हैं स्वभाव से सब में लक्षण है तो प्रकाशित होते रहते हैं। बहुत तो सुंदर दिग्दर्शनी ने टीका दिया है सनातन गोस्वामी, वो टीका हमारे लिए संजीवनी का काम करने वाली है, इसलिए मैं सोचा कि इस जो ये भक्त का गुणगान है तो उनमें इन महान भक्त को दोनों महान भक्त का संवाद लिया जाए। वो कहते हैं कि महताम इति स्वगुरुवर श्री नारद अभिप्रायण बोधस्यो उत्तमतंच न चतुर्वर्गस्य तुच्छता विज्ञानेन तद अनादरात केवलम भगवत भक्तिर्स्तद भक्तानांच महिमा विशेष ज्ञातित्व लक्षणम। कहते देखिए ये नारद जी ये गुरु महाराज हम आपके चरणों में वंदना करते हैं लेकिन कहते हैं कि ऐसी भक्ति के लिए जिस भक्ति आपके द्वारा आपके मुख से मेरे प्रति वर्णित की गई है उस भक्ति के लिए सबसे पहले शुद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है जो मुझ में अभाव है। क्योंकि विशुद्ध ज्ञान उन विशुद्ध भक्तिकारी व्यक्ति के चित्त में उदय होता है। देखिए श्री प्रहलाद महाराज ज्ञान मिश्रा भक्त है, सनातन गोस्वामी पाठ की लेखनी चलती है आप देखिए उनमें, वो कहते हैं कि नहीं कहते तद अनादरत केवलम भगवत भक्ति तद भक्तानांच महिम विशेष ज्ञात लक्षणम। हाँ ये जो कुछ भी भक्ति मुझ में दिखाई पड़ रही है ना वो आपकी महान कृपा के कारण दिखाई पड़े, इसमें मेरा कोई महत्व। अब देखिए विधि भक्तिकारी को क्या सोचना चाहिए, जो हम विधि भक्ति में कितना भी जप करते हैं या कितना तपस्या उठाते हैं कुछ भी करते हैं तो ये अपने गुरु महाराज की कृपा के कारण चलता है ये समझना चाहिए, या श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से ये चलता है, हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है इसमें। जब हम कर्तृत्व मान बैठते हैं तब एक अहंकार उत्पन्न होता है उसमें चित्त में और वह अहंकार हमारे मार्ग में रोड़ा उत्पन्न करता है। इस स्पीड ब्रेकर है जब भक्ति में आगे बढ़ने से अटकते हैं, हमारा चित्त
वो च्युत हो जाता है भक्ति मार्ग से, पहले थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर च्युति आती है। ये कहते हैं, देखिए ये सब कहते हैं, तो ये कहते जातित्व लक्षणम, तो ये तो भक्ताना महिमा विशेष, ये तो आपकी महिमा के कारण है, आपकी महानता ट्रांसफर हुई है, हम में कोई योग्यता नहीं है। यद्यपि असुर बालकों के प्रति वो उपदेश कर रहे हैं, देखिए मूल श्लोक में आप देखिए, वो कहते हैं अनंत प्रिय भक्ताना भक्ते नाम, ये नाम अनंत प्रिय, इनके गर्भ में भगवान अनंत के प्रिय भक्त है, वो अपने मुख से दैत्य को बताते हैं। समझ में आ रही है बात कुछ है? एकदम नितांत जिनके पास भक्ति नहीं है उनको भक्ति का वर्णन करने के लिए उस प्रकार ये वर्णन कर रहे हैं। वो हमारे जैसी विधि भक्ति भी उनकी प्रारंभ हो रही है श्रवण के द्वारा उन दैत्य बालकों की, इसलिए यहां पर इस प्रकार का शब्द प्रयोग हो रहा है। आप लोग कहेंगे ना आपका प्रवचन मैच नहीं हो रहा, इसलिए मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा कि कैसे ये मैच्योर है, यहीं पर यही प्रवचन ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं ना, विघ्नेर अनभिभव बालेशु दैत्यु दैत्य शिशु गणेश उपदेश सताम साधु नाम इव इरितम आचारो नृत्य गानादि आर्तेषु प्राणीषु दया मोक्षा सात अंगीकरणम अग्रहणम। अब बताइए, वो कहते देखिए आपने कहा कि बेटा तुम विघ्न भी तुमके अभिभूत नहीं कर पाए, अच्छा उनके साथ साथ क्या किया, तो बोलते हैं उन बालकों को दैत्य बालकों को बचपन में 5 साल के आयुष में तुमने उपदेश किया, और कहते हैं कि तुम्हारा 5 साल की आयु में साधु जैसा आचरण दिखाई पड़ा, तो साधु नाम इव इतम आचारो और परम साधु का आचरण भी तुमने दिखाया, नृत्य इत्यादि करके भगवान भक्ति में तुम पागल हो जाते थे और नृत्य करते थे, अर्थात भगवत भक्ति का भी अभाव तुम में नहीं देखा गया है, ये जो आपका कहना है। आर्तेषु प्राणीषु दया, और आपने कहा कि मेरे पास बहुत दया है, उन दुखी व्यक्तियों के प्रति मैं हमेशा मेरा चित्त दयालु है, और मोक्ष को अनंगीकार करना और मैंने मोक्ष को भक्ति के सामने त्याग दिया इत्यादि आदि शब्द कहते हैं, कहते लोक तोषणादि, ये मूल श्लोक में मतलब वृद्ध भागवतम के मूल श्लोक का बात कर रहा हूँ, भागवतम का नहीं, ये अमृत है, भागवतामृतम है, श्रीमद भागवतम का अमृत निचोड़ निकाला है सनातन गोस्वामी के बाद में, वो अमृत हमारे लिए निकाला है, हम इस अमृत का पान करें तब भक्ति मार्ग हमारी दृष्टि में एकदम क्लियर स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, और कहां कहां क्या क्या गलती हमारा जा रहा है वो हम समझ पाएंगे। इसी से देखिए वो क्या बता रहे हैं, वो कहते हैं कि ये जो उन लोक तोषण हो रहा है, तो तानी भक्तो प्रवृत्ता नाम अभी कि मुत भक्ति निष्ठा निष्ठा बताना महिम न आपाटकानी प्रापकानी बोधकानी वा न भवंती इति द्वाभ्या अन्वय। क्या ये तो भक्ति का नया नया आचरण, वो भक्त हो गया बात छोड़ दीजिए, जो भक्ति ग्रहण करके भक्ति का आचरण करते हैं गुरु दीक्षा शिक्षा लिया है और विधि मार्ग में चलने वाले व्यक्ति में भी ये दिखाई पड़ता है कि जीव प्रत्येक जीवों के प्रति दया उनकी दिखाई पड़ रही है। अब सोचिए जरा, हमको मैच कीजिए वहां पर, हमारे हृदय में प्रत्येक प्राणी के प्रति कितनी दया है और दया का कितना अभाव है। और यहां पर ये कहते हैं कि भक्ति निष्ठावताम महिमन, अभी भक्ति में जिनकी निष्ठा हुई है उनमें ये सब लक्षण प्रकटित होते हैं, अब भक्ति पूरा होने के बाद अर्थांत सिद्ध होने के बाद तब तो बात ही छोड़ दीजिए। प्रहलाद महाराज अपने आप को विधि भक्ति के कैटेगरी में रख रहे हैं, इतने उत्तम भक्त है होते हुए भी, और इसके लिए अपने गुरु महाराज के साथ ये तर्क दे रहे हैं, उनके शब्दों का विरोध करते हुए आप
आप विचारिए, आप इनके ऊपर विचार कीजिए, हम प्रतिकार नहीं करते, आप विचार कीजिए। वो कहते हैं ठीक है। तो इसी प्रकार कहते हैं न प्रापकानि बोधकानि वा न भवन्ति इति द्वाभ्याम अन्वयम्। कहते हैं दो श्लोक का अन्वय इस प्रकार पकड़ना चाहिए कि ये तो नवसिखिय भक्तों में भी लक्षण दिखाई पड़ता है, मोक्ष का त्याग करना, मोक्ष को स्वीकार नहीं करना। तो मैं नया भक्त हूं महाराज, आप हमारी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? देखिए समझते चलिए इनको, ये बहुत महा उपाधि शिक्षा है। सनातन गोस्वामी पाद ने जो शिक्षा दिया है अद्भुत शिक्षा है। कहते इत्य श्री नारद उक्त से बाल्यात इत्यादि सा अर्ध श्लोक द्वयस्य न क्रमेणु उत्तर मुह्यम। कहते इन ये बात करते हुए इन दो श्लोक में अपने गुरु महाराज ने जो उनके प्रति उन परम भक्त का बात निरूपित किया था तो उनका विरोध कर रहे हैं, बोले ठीक नहीं बोले आप उनके विचार करने लायक है, आप अपनी बात पर विचार कीजिए। मेरे लिए जो शब्द प्रयोग आपका हुआ है वो आपके लिए विचार नहीं है, आप हमारे गुरु महाराज हम आगे क्या कहें आपको, बट उनके ऊपर विचार कीजिए। वो कहते हैं कि ठीक है। तो इसलिए ये दोनों श्लोक की अवतारणा हुई है और क्रम पूर्वक इसको बताना है। तत्र कुत्रापि न तद उक्त स्वीकारेण कुत्रचित किंचित अस्वीकारण अपि अन्यथा परिहार कल्पनीय। कहते कहीं कहीं नारद जी के वाक्यों का स्वीकार किया गया है और कहीं कहीं नारद जी के वाक्यों का प्रतिकार करके आधा सत्य जैसा स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु बोल रहे थे। कैसे एक गुरु को गलत बता दे, आधा का स्वीकार कर रहे हैं और आधे वाक्यों को छोड़ रहे हैं, उनका प्रतिकार कर रहे हैं। उसी प्रकार उन परिहार करते हैं, कहते हैं ठीक है। तद दया था बाल्य ज्ञान क्रिया शक्ति विशेषा अभावार्थ। देखिए बचपन में आप ही महाराज जानते हैं कि बचपन में बालक को सामान्य ज्ञान नहीं रहता है और भक्ति के लिए एक विशिष्ट ज्ञान का आवश्यकता है। अब बताइए जरा मैं बालक हूँ और भक्ति योग्य ज्ञान जब आप मेरे लिए और ज्ञान नहीं उनमें, आप भक्ति में मुझे सिद्ध बता रहे हैं जब ज्ञान का ही अभाव है बचपन में, तब आपका उन बाल्यादित्यादि जो आपने बोला उनके ऊपर आप पुनः एक बार विचार कीजिए, ये ठीक नहीं है, योग्य नहीं है मेरी दृष्टि में, मेरे लिए जो आपका वाक्य है। तो इस प्रकार प्रतिकार किया। वो कहते हैं कि विशुद्ध भक्ति स्वीकार एव विशेषता अभावार्थ। कहते देखिए इसलिए आपने जो मान लिया शिव जी के कहने पर कि मैं एक विशुद्ध भक्त हूँ, वो ठीक नहीं है, पुनः विचार यताम, आप उनका विचार कीजिए, इनके ऊपर मेरी बातों के ऊपर विचार कीजिए। अच्छा ठीक है, दूसरी बात क्या है? तो कहते हिरण्यकश्यपु कृत भक्ति विघ्न उपद्रव न जय स्वीकारे अपि। कहते हैं उन हिरण्यकश्यपु के द्वारा जो उपद्रव किया गया प्रहलाद महाजगपति उनका स्वीकार किया, हाँ ठीक है कि मेरे पिता ने मुझे दंडित किया, लेकिन कहते भक्ति महात्म्य स्वभाव उक्तया तत्परिहार। लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो थोड़ी बहुत भक्ति आपकी कृपा से जो आई है ना उनके कारण ये विघ्न बाधा हमें अभिभूत नहीं करती है। देखिए साधक के जीवन में जो विघ्न बाधा आनी चाहिए कर्मों के कारण उससे बहुत कम आती है, ये भक्ति का प्रभाव है। क्योंकि क्लेशग्नि इनके भाई ने श्री रूप गोस्वामी पाद ने 6 कुछ विशेषण भक्ति के लिए दिया है, उसमें पहले बोलते क्लेशग्नि। साधक अवस्था में उन आने वाले क्लेशों का हरण होता है, वो भक्ति के द्वारा होता है। प्रहलाद बोलते मेरा कोई भावना का ये प्रभाव नहीं है, ये तो भक्ति भाव का प्रभाव है। स्वीकार किया कि हाँ मैं उनके द्वारा दिए गए दुख से अभिभूत नहीं हुआ, एक्सेप्ट किया। लेकिन कैसे एक्सेप्ट किया? बोले मेरा कारण नहीं है, ये तो भक्ति के प्रभाव के कारण ये सब हो गया। अब कहते हैं आगे भक्ति विघ्न उपद्रव जय स्वीकार, ठीक है। दैत्यानाम भागवत स्वीकार अपि परो उपदेश पांडित्यम सर्वेशम सुकरम नाम। कहते हैं उन दैत्य बालों को बचपन में तुमने उपदेश दिया बेटा, तब ये उक्ति शास्त्र की वो सनातन गोस्वामी पाद लिखा है, मतलब परोपदेश पांडित्य सर्वेशम सुकरम नाम। इतने मनुष्य में देखा जाता है कि दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत पंडिताई होती है, तो मैं वास्तव में पंडिताई किया हूं वहां पर, मेरा भजन भजन जैसे हमारा यहां बैठ करके चलता है, खास करके मेरा। हाँ
दूसरों को उपदेश देने बहुत पंडित, पर आचरण में आहा क्या बात है, ये साधकों के जीवन में ये बहुत सुंदर कक्षा है। देखो और श्रीपाद ने शास्त्र उक्ति कोट किया वहां पर, और हमारे जीवन में चरितार्थ हो रहा है, और हम अपने को महान भक्त भी समझ लेते हैं, क्योंकि इतना विद्वान इतना पंडित है, ठीक है जो भी उपहार है और जो भी प्रतिष्ठा आने दीजिए, लेकिन वही गिराने वाला है, वही आगे जाके प्रतिष्ठा गिराने वाला है, भक्ति मार्ग है, वो विघ्न बाधा उत्पन्न करेगा, भक्ति मार्ग उनको कदाचित भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। देखिए प्रहलाद महाराज का विवेक देखिए, और सामने हमारा अविवेक हृदय, उन अविवेकी हृदय को टटोलिए कि कितना इसमें अविवेक है। कुछ बातें जान जाने से सब कुछ हो गया ऐसा नहीं है, सब होना बाकी है, और रोड़ा हम अपने आप से उत्पन्न कर रहे अहंकार के कारण। मेरी कथा में इतने लोग बैठते हैं, मैं बड़ा कथाकार हूं, यह है वो है, या प्रभुपाद जी के बाद मैं ही हूं, इस प्रकार का जो वर्ण आचरण हो रहा है, वो एकदम निम्न कक्षा का आचरण है। देखिए भक्ति का दैन्य, भक्तों का दैन्य, शीघ्र ले रहा हूं मैं, पूरा करता हूं। कहते हैं पर उपदेश पांडित्य सदस्यम शुक्र निणाम कहते इति न्याय न तत्र च बालेषु मत कृप उपदेश प्रकाशनन अनुचित्याद। बोले मैंने जो इस प्रकार उपदेश दिया, ये भी आप इनके ऊपर विचार करके देखिए, पंडिताय किया मैं, उपदेश दे दिया नहीं, और मेरे में भजन कहाँ से आएगा फिर। देखिए हम लोग को मैच कीजिए, यहाँ श्री प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैं मैच्योर नहीं हूं भक्ति के लिए बिल्कुल, चूंकि मैं केवल पंडिताय दिखाया। यद्यपि उनका आचरण अद्भुत दिखाया गया है, वो प्रकृत भक्त के रूप में माता के उदर में वो भक्ति कर रहे थे, श्रवण नारद जी जैसे महान साधु से। सोचिए जरा, अच्छा एक कहते हैं ठीक है, उनके बाद में क्या कहते हैं, कृष्ण आविष्टाद ये अस्वीकारात। ये बोले आप जो बोले कि कृष्ण में कितना तुम्हारा मन अभिनिविष्ट है बेटा, तुम पागल की तरह नृत्य कर रहे हो। बोले नहीं, वो सिद्ध भक्तों का जो आचरण है वही साधकों के लिए कर्तव्य है, तो मैं तो अपना कर्तव्य बजा रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, जस्ट लाइक हम। प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं है, हम लोग ये करते हैं विधि भक्ति में। हाँ, ये उन परम भक्तों का आचरण या प्रेमी भक्तों का आचरण दिखाना बहुत जरूरी है। शिव विग्रह के आगे हमारा जो नर्तन चलता है, गायन चलता है, वो एक विधि भक्ति मात्र है। प्रहलाद महाराज बोलते मैं तो विधि भक्ति मात्र में हूँ, और मेरे में कोई परम भक्ति जो आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। और एक बात बता रहे हैं इसमें, नर्तनादि अस्वीकार अपि, कहते इनका स्वीकार करते हुए भी न सिद्धानाम लक्षणों में ही साधका नाम साधन में इति न्याय न, सिद्धों का जो लक्षण होता है वही साधकों का आचरण होता है। मैं तो इस प्रकार आचरण करता हूँ, और आप मुझे भक्त मान लिया, और पता नहीं शिव जी ने आपको चढ़ा दिया है कि पता नहीं क्या हो गया है, तो आप मेरे पास आकर के मेरा गुणगान कर रहे हैं। हाँ अच्छा, अब इसी प्रकार कहते हैं कि अटवा भक्ति प्रवृत्ति स्वाभाविक प्रभाव है ये वही तत्त सर्वम। और दूसरा जो बाकी आपने वर्णन किया ना, वो आप ये जानिए कि थोड़ा बहुत आपकी कृपा से जो भगवत भक्ति मिला है ना, उनका प्रभाव, मेरा कुछ प्रभाव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिज्ञासा नहीं लिया जाएगा, पर्सनल अगर किसी की जिज्ञासा है तो पूछ सकते, कोई बात नहीं। रंधराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सनातन गोस्वामी पाद की जय, राय गौर हरि प्रेमानंद ने।